आज मैं पहले ही एक केज बनाऊंगी एजेंट डेविस को फंसाने के लिए, फिर उस पर मैं एजेंट डेविस को ट्रैप भी करने वाली हूँ। सूथिंग बाम का यूसेज देखूंगी आज, और रेक्स को क्या अटक पाऊंगी मैं इस बार। तो आओ फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले होला टियोस गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरिका आज दोबारा से एक बार वैसे खेल रही हूँ एआर के सर्वाइवल इवॉल्व। तो यहाँ देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं कोई एक मिडिल पोर्शन लेने वाली हूँ, जिधर पे थोड़ा सा आइस का भी पोर्शन रहेगा और दूसरी तरफ कुछ गर्मी का पोर्शन भी रहेगा। तो ऐसी कोई जगह चाहिए, आपको पता ही है। तो मुझे बहुत अच्छी एक चीज लगी कि मेटल के लिए मुझे थोड़ा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, इधर आ जाऊंगी तो मेटल भी मिल जाएगी मुझे इस आइस की जगहों से। तो मेरे लिए तो ये काफी नहीं, बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा अच्छी बात हुई थी। और इधर भी देखो कितने सारे ओइस्टर मुझे मिल जाती है, जिससे मुझे मिलती है बहुत सारे पार्ट। तो इधर पे आज जो हम बनाने वाले हैं वो है एक अर्जेंट डेविस का एक केच बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने एक स्टोन डायनासोर, जो एक गेट फ्रेम है, उसको बना लिया। बिल्कुल उसके मिडल में मैंने लगा दिया एक स्टोन पिलर को, बिल्कुल उससे पीछे ही मैंने और एक स्टोन पिलर को इधर पे सेट कर दिया। और उसके साइड में देखो, जैसे जैसे मैं, अगर आप लोग चाहते हो ऐसे बनाना तो बना ही सकते हो, मैं दिखा देती हूँ कैसे बनाया मैंने। बाकी मेरे लिए तो यही ईजी रहा, तो मैंने ऐसे ही बना दिया एक केच को। तो इधर पे मैंने सब जगह पे लगा दिया, और मिडल से ये अर्जेंट डेविस घुसेगी तो इसके लिए मैंने जगह को क्लियर भी कर दिया। तो अभी देखो इसको पूरा ऊपर तक हम लोगों को टाना पड़ेगा। तो मैंने इधर पे बहुत सारे देखो 1x1 सारे पिलर्स को इधर पे लगाते जा रही हूँ। तो इधर तक तो मैंने सारे पिलर्स को इधर पे लगा दिया, और इधर पे भी मुझे लगाना है। बट प्रॉब्लम हो जाती है कि इससे ऊंचा मैं लगा नहीं पाती हूँ, तो उसके लिए तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। उससे पहले एक बार लुक देख लो कि कैसे मैंने बनाया है इस जगह। तो अभी जो हम लोगों को चाहिए वो है, मुझे एक स्टोन हैच फ्रेम चाहिए, जिसके लिए मुझे ज़रूरत है स्टोन वुड एंड थैच। तो काफ़ी इजी है इसको भी बनाना, तो मैंने इसको फटाफट से बना लेती हूँ, बट इसको लगा नहीं पाती हूँ। देखो ये इतना था कि जा रहा है, इससे ऊपर मैं लगा नहीं सकती हूँ, कुछ भी कर लो तो लगा नहीं सकती। तो हमेशा की तरह मुझे तो जुगाड़ी लगाना है, तो इधर पे आके मैं लैडर ले लेती हूँ, वुडन लैडर है, ठीक है ना ये। तो इसको ऐसे मैंने लगा लिया, अभी इसके ऊपर मैंने और एक वुडन लैडर को लगा दिया। जैसे ही लगा देती हूँ देखो मैं पहुँच चुकी एकदम ऊपर की तरफ, और उधर जाके मैं वो जो स्टोन का जो हैच फ्रेम है उसको मैं लगा देती हूँ। और भी देखो इसका फाइनल लुक कैसे ये दिख रही है। तो देख लिया ना आप लोगों ने मैंने कैसे बनाया, तो आप लोग भी चाहो तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हो। बाकी इसका यूसेज कैसे करना होता है वो तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो फटाफट से इसका लुक देख लो, ये है फ्रंट के साइड और बैक साइड, तो आप लोगों को मैंने दिखाई दिया कैसे दिख रही है। अभी मुझे जो चाहिए ना वो है एक रीइंफोर्समेंट डायनासोर गेट। तो उसको बनाने के लिए भी आप लोगों को चाहिए स्टोन वुडन थैच, जो भी आप लोगों को बहुत आसान तरीके से मिल जाएगी। तो अभी मैंने उसको बना लिया फटाफट से, मेरे इन्वेंटरी में बहुत सारे स्टोन वगैरह था, तो वो सारी चीज़ों को मैं ले लेती हूँ। तो फाइनली चलो ये रीइंफोर्समेंट डायनासोर गेट मैं इधर पर लगा देती हूँ। अभी देखो लुक कैसे दिख रही है, बिल्कुल समझ में आई थिंक कहा जा रही है आप लोगों को मैंने कैसे बनाया इसको। तो अभी मुझे चाहिए एक एजेंट डेविस, जिसको मैं पकड़ के इसके अंदर लेके आ जाऊँ। फिर अगर मैं इधर से ऐसे निकल जाऊँगी, आई विश कि वो इधर पे अटक जाएगी बहुत आसान तरीके से। बाकी मैं ट्राई तो करूँगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे और कुछ चेंजिंग्स करना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो मैंने ऐसे ही बनाया है। तो अभी चलो, अभी चाहिए मुझे क्रिस्टल वगैरह सारे कुछ, मैं तो सारे कुछ जुगाड़ करके रखी हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। मैं जहाँ जाती हूँ अपने इन्वेंट्री में, फिर जाके दो इधर से क्रिस्टल को ले लेती हूँ, बाकी ऊट वगैरह सारे कुछ मैं ले लेती हूँ, फिर बना लेती हूँ स्पाइक ग्लास को। अभी देखो इसका लेवल है लेवल 14, तो ये स्पाइक ग्लास इसको देखने में तो काम आता ही है, उससे भी ज़्यादा जो चीज़ देखने के लिए काम आएगा ना वो है, अगर टॉर्पर गिर रहा है ना तो वो कितना हाई हुआ वो हम लोग बहुत ज़्यादा बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं। तो इसको तो मैंने अभी गुस्सा दिला दिया, अभी इसको मैं पीछे भगा रही हूँ। अगर जैसे जैसे ये मेरे पीछे आ जाएगी ना, वैसे वैसे मैं इसको घुसा दूंगी। भाई साहब कितने सारे बंदे आ रहे हैं। तो फटाफट चलते हैं अपने जो मैंने बनाया है केज उसके तरफ। ये देखो ये तो मुझे मारने के लिए एकदम बेताब है। अभी मैं इस डोर को खोल दूंगी, इसके अंदर से मैं घुस के इधर से निकल जाऊंगी, और ये बेचारा भाई धोखा हो गया मेरे साथ पूरा इधर पे। ये तो भाग चुकी है, अभी इसको मैं, रुको जरा मैं वो क्या लगा पाऊंगी, इतना भी आसान नहीं है, मैं अर्जुन नहीं हूँ उधर पे जो इतना आसान तरीके से मैं इसके ऊपर निशाना लगा दूँ। बाकी मैंने तो कोशिश कर रही हूँ इधर पे, बट ये तो भाई भाग रहा है अपने ही मन का।
तो ये नीचे आने देते तो चलो फाइनली ये तो नीचे आ चुका है, अब मारूंगी एक घुसा। अब आएगा वो भाई, अभी ये आएगा मेरे पीछे। तो चलो फाइनली वो भाई, भाई 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 बंद मत हो, बंद मत हो, बंद मत हो। तो चलो अभी ये तो घुस चुका है, अभी इसको बंद करना है, बट कैसे कर। ओ भाई 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 इधर से जाऊंगी तो नहीं होगा ऐसे, तो मुझे फिर से दोबारा और एक बार इसको घुसाना पड़ेगा। मुझे जो लग रही है ऐसे नहीं घुस सकती है वो, इसके लिए मुझे वही एक ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो एक सेकेंड इसको इधर आने देते हैं, बट ये तो अपने ही मन का किए जा रहा है, मेरी तरफ घूम भी नहीं रहा है। अभी इसको फटका देने के लिए मैं इधर तो आती हूँ, एक लगा भी देती हूँ। अभी ये हो जाती है मेरे ऊपर गुस्सा, अभी ये मेरे पीछे आ रही है। अभी फिर से इसे मुझे एकदम सही तरीके से इधर पे घुसाना है। तो चलो फाइनली ये तो घुस गया, अभी सामने से ही मुझे थोड़ा मार खा लूँ, बट इसको मैं अटक दिया फाइनली। तो चलो गाइस फाइनली इसको तो मैंने अटक दिया। अभी देखो ये कैसे दिख रही है, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। मतलब बहुत ही छोटा सा जगह हो गया, क्या बोलते हो, पे बहुत ही ज्यादा छोटा सा जगह हो गया, और ये कितना ज्यादा बड़ा ये कार जी है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, देखो कितना प्यारा दिख रही है। बाकी ये जब मारता है ना तो प्यारा नहीं दिखता है ये बिल्कुल भी। तो चलो गाइस इधर पे तो हो चुकी है, अभी मैं इसको मारूंगी एक एक करके, नार्कोटिक जो वो मैंने बनाया है, ट्रैंक एरो को मारूंगी मैं। जैसे जैसे मैं ट्रैंक एरो मारूंगी इसका तौर पर भी मैं चेक करती रहूंगी, जैसे जैसे इसका हाई होता रहेगा। देखो अभी कितना हुआ है, अभी 656 ऐसा कुछ जा रहा है ना। तो अभी इसको करने देते हैं, इसको होने देते हैं टॉर्पर इसका हाई, और इसको तो क्या अभी भी नहीं हुआ। मुझे इसको ज़्यादा नहीं मारना है ट्रैंक करो, अगर मैंने ज़्यादा मार दिया ना तो ये मर जाएगा। तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका देखा 212 ऐसा कुछ हो गया, ज़्यादा मार दूंगी ना तो ये मर जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान रख के इसको मैं मारे जा रही हूँ, और जैसे जैसे मैं इसको ट्रैंक करो मार रही हूँ वैसे वैसे मैं चेक करता जा रहा था। और अभी देखो ये तो हो गया है अभी अनकॉन्शियस। तो चलो आज मैं, रुको एक सेकंड, इसको दरवाज़ा पहले खोल, इसको थोड़ा आराम से सोने देते हैं। और बाकी देखो कितना बड़ा आरजी है, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अभी इसके इन्वेंटरी में मैंने 2 मीट ही दे दिया क्योंकि मेरे पास मीट नहीं था। तो अभी मैं आ जाती हूँ अपने रैक पे, यार कुछ पोर्शन में इधर से मीट ले लेती हूँ, फिर नार्कोटिक ले लेती हूँ, फिर आज जो मैं करने वाली हूँ, मैंने ले लिया आज सूदिंग बम, जिसको देके मैं करने वाली हूँ आज फर्स्ट टाइम के लिए टेमिंग। तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने अभी सूदिंग बम का तो इस्तेमाल नहीं किया था, तो आज पहली बार के लिए कर रही हूँ। आप लोगों ने बोला था कि इससे बहुत फास्ट टेम होता है, बिल्कुल सही बोला था आप लोगों ने कि इससे सच में बहुत फास्ट होता है टेमिंग। तो अभी देखो जैसे ही मैं सूदिंग बम को देती हूँ और उधर उसको यूज़ करती हूँ, तो उसका हो जाता है बहुत फास्ट फास्ट टेमिंग भी हो जाता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि सच में ही बहुत फास्ट हुआ इस बार, क्योंकि पिछले बार इतना ज्यादा नहीं हुआ। अभी 14 से ये डायरेक्ट 20 लेवल तक पहुंच भी गया है, तो अच्छी बात है। और ये देखो कितना स्लो स्लो चल रहा है, क्योंकि ये बन चुका है मेरा पेट, इसलिए मेरे साथ साथ ही चल रहा है। तो इसका नाम मैं रख देती हूँ आरजी, बहुत बड़ा नाम तो मैंने इधर पे नहीं दिया, एक छोटा सा नाम दे दिया इसको, और ये है बहुत ज्यादा प्यारा। तो अभी इसको लेके मैं चलूंगी रैफ्ट के तरफ, और जाने के बाद इसको इधर पे खड़े करके मैं चली जाऊँ। ओ भाई साहब कितना ज़्यादा खूबसूरत है यार ये तो, मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है इधर पे, सच बताए तो काफ़ी सुंदर है। मतलब माथे में क्या स्पाइक बना के रखा है क्या इन लोगों ने, तो काफ़ी अच्छा है। तो इधर पे मैंने पहले से शेडल बना के रखा हुआ था, तो मैं ले लेती हूँ अपने शेडल को, आरजी का शेडल को। तो इसको जाके मैं इसके पीठ में इक्विप कर दूंगी, फिर मैं पहली बार के लिए इस गेम इसको लेके मैं उड़ने वाली हूँ। तो चलो फटाफट से इसके ऊपर अभी चढ़ जाते हैं। ओ माय गॉड यार क्या ही लुक है, और क्या ही पहली बार के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही है, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इधर पे खुशी हो रही है कि मैं पहली बार के लिए आरजी के ऊपर चढ़ी हूँ। और ये देखो सामने कितने सारे इधर पे अर्जेंट टेविस है, तो इधर पे एक बार चलते हैं, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर नहीं। बाकी सामने मुझे कुछ दिख रही है, तो जैसे ही मैं सामने आती हूँ ये है एक अर्जेंट टेविस का एक, जो कि मुझे अभी चाहिए। तो एक काम करती हूँ, मैं तो उसको उठा नहीं पा रही हूँ, क्या बता सकते हो कि आरजी को लेके मैं कैसे कोई भी चीज़ को उठा सकती हूँ, कोई तो ऑप्शन नहीं दे रहा था। तो मैं तो पता नहीं कैसे इसको लेके मैं किसी भी चीज़ को उठा सकती हूँ, मुझे नहीं पता। अभी इसको लेके मैं जा रही हूँ और अपने रैक पे जाके इसको मैं रख दूंगी, उसके बाद अगर बाकी कोई काम है वो मैं करने वाली हूँ। तो फाइनल देखो गाइस मैं तो अभी आ चुकी हूँ अपने रैक पे, और आने के बाद इस अर्जेंट टेविस को अटक देती हूँ। और इधर पे देखो ये जो एक क्या बोलते हैं इसका नाम रेक्स है, ये मेरे पता नहीं इस पे आके कैसे जकड़ गया है,
क्या इसका दुश्मन ही था, बट अटक गया तो अच्छी बात है। मैंने इधर पे दरवाज़ा बंद कर दिया था और इसको एक के बाद एक, एक के बाद एक मैं ट्रैंक करो मारे जा रही थी। और इसका टॉर्पर देखो, जैसे ही चेक करती हूँ तो इतना खास तो नहीं चल रहा था इसका टॉर्पर। बाकी ये अटक गया है या फिर नहीं वो भी मुझे ना नहीं पता, क्योंकि देखो कैसे है, देख रहे हो ना आप लोग कि वो बाहर की तरफ ज़्यादा है अंदर की तरफ कैसे है, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि असली में ही ये अटक के गया है या फिर नहीं, तो वो तो मुझे समझ में नहीं आती है। तो अभी आज के लिए मेरा ट्रैंकर इधर पे ख़त्म है, बाकी बनाना भी पड़ेगा। और कल ही तब देख तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहिएगा। टाटा एंड टेक केयर।